हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फिर से हमारे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनने जा रहा है घर पे आलू के पराठे। तो सारी तैयारियां चालू हो रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आज आलू पराठे बनने की तैयारियां हो रही हैं, करी जा रही हैं। आलू पराठे कैसे बनाएंगे घर पे, फिर उसके बाद उसको खाएंगे, मस्त एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आलू के पराठे की तैयारियाँ चालू हो रही हैं। फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं आपकी, ये देखिए कुकर में आलू का आलू चढ़ चुका है बॉयल होने के लिए। ये देखिए अब ये बॉयल होगा, उसके बाद बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बॉयल करने के लिए लगा दिए कुकर में, अब ये बॉयल हो जाएगा, फिर बॉयल होने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं किस तरह ये घर पे लोग इसको बना रहे हैं। ओके, हमारे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है एकदम। फ्रेंड्स, ये देखो थोड़ा मसाला रेडी हो गया है। ये आप में थोड़ा सा एक कटोरी हरी धनिया है, और ये इसमें थोड़ा जीरा है भूंजा, और नमक है एक प्याली में, और ये हरा मिर्चा है। ये देखिए आलू पराठे के बनाने के लिए ये थोड़ा सा हरा मिर्चा, धनिया, जीरा, नमक ये तैयार कर लिया गया है। और अभी आलू इधर इसमें बॉयल हो रहा है, अभी इसको भी निकालेंगे, फिर आपको बताते हैं आगे। फिर देखिए ये आम की अमकली है, अब इसका हम बनाएंगे ग्रेवी, मतलब आलू के पराठे के साथ की इमली की जो चटनी होती है आम की जो चटनी होती है उससे खाने के लिए, पराठे के साथ खाने के लिए। तो ये हम लोग ने निकाला है अमकली, और ये इसका अमकली का पानी है, इसका ग्रेवी बनाएंगे मिक्सी में पीस के। ये देखिए मिक्सी में पीसने की तैयारी हो रही है, ये हमारा ये मिक्सी में पीसा जा रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये अमकली पीस चुकी है मिक्सी में, और अभी इसका प्रोसेस पूरा और बाकी है। अभी गुड़ पड़ेगा, इसका गुड़ का सिरा बनेगा, वो सब मिलाएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें गुड़ है, गुड़ इसमें ये इमली की चटनी में गुड़ भी मिलाएंगे, इसको बॉयल करके इसका वो बना लेंगे सिरा, और जो बनता है सिरा बना के फिर चटनी में मिक्स करेंगे इसको, ताकि मीठा हो जाए। तो अभी ये बॉयल, यानी कि बॉयल के लिए इसमें पानी वानी डाल रहे हैं, गुड़ बॉयल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं क्या। फ्रेंड्स, ये आलू रेडी हो गया, बॉयल हो गया है, अब इसको हम बर्तन में निकालेंगे अपने। ये देखिए बर्तन में आलू निकल गए हैं, अब इसको हम छीलेंगे, मतलब आलू को साफ कर लेंगे पूरा। साफ करने के बाद फिर इस बर्तन में रखेंगे, बर्तन में रखने के बाद फिर इसको पूरा पीस देंगे जिस हिसाब से रहता है। चलिए आपको दिखाता हूँ, अभी आलू निकल गया। चटनी खटाई की, यानी कि उसकी आम की चटनी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है ये आलू भरे पराठे, मज़ा आ गया। अब भी ट्राई करिए बनाने के लिए, बहुत मस्त लगता है, बहुत टेस्टी है।